सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपा नेगी, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के हसीन पहाड़ों से और पावन सी भूमि से, खूबसूरत इन जंगलों से। और अभी सुबह की 7 बज रही हैं और हम जंगल पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं काफल लेने के लिए फिर से। और ये देखिए मेरे हाथ में थैला, इस पर लाएंगे हम काफल। और मेरी सहेलियाँ कुछ आगे चले गई हैं और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं जंगल से कर रही हूँ। और मैं अभी ना आपको बताती हूँ मेरे साथ कितनी सहेलियाँ मेरी जो चले गई आगे काफल लेने के लिए। आजकल हमारे जंगलों में लगातार काफल पक रहे हैं, तो चलिए अब चलते हैं काफल पेड़ में। काफल निकालने की तैयारी है, देखिए नीचा निकास ली अपनी। देखिए ऐसे निकालते हैं अब काफल। यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी काफल। ये देखिए एक पेड़ दिखाती हूँ मैं, अब ये चूंग रही है, इसे खा रही है थोड़ा थोड़ा। काफल पकी मैं नीचा की। ये देखिए दोस्तों इतने सारे काफल, बबू भी चढ़ गए पेड़ में। बबू वीडियो बना लो, बबू दिखियो को नहीं। इतने काफूल निकाल दिए मैंने दोस्तों, ये देखिए मेरे कुटियारा, अरे तो थक गए काफूल निकाल निकाल के, पेट भी भर गए बल बबू का। अरे एक यहाँ पर भी है हमारी छोटी काकी सास जी, ये देखिए कुछ बंदर लोग वहाँ भी हैं। तुम दिखा, ए देखो, अरे काफूल ना मैं अपनी बहन को भेजूंगी, मेरी बहन रहती है नीचे चौरास मार्केट में, और वहाँ मैं अपनी भुली के लिए भेजूंगी काफूल। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरी वीडियो में। अब हम घास भी निकालेंगे और तब थोड़ी देर में चलेंगे घर। चले दोस्तों हम भी आ चुके हैं घर। अरे देखो ये बब्बू का थैला काफूल का, ये देख। काफल ले लो काफल, बबू दे भागने। हाय दोस्तों, तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और यहाँ पे मम्मी भी काफल लेके आ चुकी है, दो पतीले भर गए। यहाँ पे पापा फोन पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों शाम की 4 बज चुकी हैं और मैं आई हूँ अभी फिर से अपने पुराने वाले घर में। और इस थैले में मैंने ना लहसुन रखा है खोद कर, और अपने खेत से निकाला है मैंने लहसुन। ये देखिए अभी यहाँ से निकाला है मैंने लहसुन, और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे धान के बीज बोए थे और वो ऐसे आ गए उसके। ये देखिए मेरी सासू जी का भैंस कैसे वैं कर कर रमा रही है, यहाँ पर धुआं भी लगा रखा है मच्छर भगाने के लिए। इस भैंस की मालकिन है जो मेरी छोटी सासू जी, वो अभी खेत में जा रही है नीचे, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा है भैंस। क्या हुआ हाँ, क्यों है? आ
सासू जी ने बहुत मार दिया इस भैंस को, अब लट्ठी से पिटाई होगी उसकी, उसका मुंह भी बांध दिया। और देखिए दोस्तों, उसका मुंह भी बांध दिया अच्छे से। अब मचा शोर। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आ चुकी अपने नए वाले घर में और शाम की 5 बज चुके हैं। मैंने भी अपनी भैंस को निकाल दिया और अब मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे कि गोबर निकालना, पत्ते साफ़ करना, अभी बहुत सारा काम है मेरे लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।